दोस्तों आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको दुनिया के खतरनाक सड़कें तो मिल ही जाएंगे। लेकिन आज मैं आपको जिन सड़कों के बारे में बताने जा रहा हूँ वो दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कें हैं। लेकिन दोस्तों खतरनाक सड़कों पर ड्राइविंग करना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि इन पर ड्राइविंग करने के लिए मौत से खेलना पड़ता है। तो फिर दोस्तों तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे ही दुनिया के कुछ खतरनाक सड़कों पर घुमाने के लिए ले चल रहा हूँ। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, कृपया करके सब्सक्राइब करके मुझे अपना सपोर्ट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं। साइबेरियन रोड रशिया। दोस्तों रशिया की इस सड़क को दुनिया की सबसे ठंडी सड़क का दर्जा दिया गया है, क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि आप इस सड़क से जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर आपको दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पर पूरे साल ही बर्फबारी होती है और यहाँ का टेम्परेचर करीबन -50 के आसपास हमेशा ही बना रहता है। और दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी गाड़ी बंद हो जाए तो गाड़ी का स्टार्ट होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है, और इसी वजह से यहाँ पर लोग अपनी गाड़ियों को हमेशा ही चालू रखते हैं। और अगर आपने गलती से अपनी गाड़ी को घर के बाहर छोड़ दिया तो यानी कि खुले आसमान के नीचे, तो फिर जब आप सुबह देखोगे तो आपकी गाड़ी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई मिलेगी। इसी वजह से इतने ठंडे स्थान पर सरवाइव करना हर किसी के बस की बात नहीं, और इसी वजह से इस जगह को दुनिया के सबसे खतरनाक जगह में से एक माना जाता है। गोलियांग टनल रोड चाइना। ये टनल रोड चीन में है और ये दुनिया की सबसे खतरनाक सुरंगों में से एक है। तेहांग पहाड़ियों को बीच में से तोड़ के बनाई हुई इस गोलियांग टनल का निर्माण 1972 में किया गया था। इससे पहले इस पर सिर्फ पैदल ही चलना होता था और ये रास्ता करीबन 3 गांवों को जोड़ता था। उन गांवों में जाने के लिए यहां के लोगों को करीब 720 खड़ी पहाड़ियों पर बने हुए रास्ते पर जाकर पार करना होता था। रास्ते के बीच में बनी हुई सीढ़ियां बेहद ही खतरनाक थी, वो बहुत ही खड़ी सक्रिय और बिना रेलिंग की हुआ करती थी। इन परेशानियों को देखते हुए गांव के लोगों ने पहाड़ियों में एक टनल खोदने का फैसला किया। गांव के मुखिया ने अपनी बकरियां और कुछ सामान बेचकर हथौड़े और कुछ औजार खरीदे। इसके बाद 13 लोगों ने इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू कर दिया और उनको करीबन 1200 मीटर टनल खोदने में करीबन 5 साल लगे। ये टनल 5 मीटर ऊंची और 4 मीटर चौड़ी थी। इस टनल के निर्माण में 12 मीटर के ड्रिल रोड और 4000 हथौड़ों का इस्तेमाल किया गया था। 1 मई 1977 को ये टनल खोला गया था। यहाँ पर टनल की दीवार में 30 अलग अलग प्रकार की खिड़कियां हैं और जो कि चीन में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। टरोको जॉर्ज रोड ताइवान। जब सबसे खतरनाक रोड की बात हो रही हो तो फिर टरोको जॉर्ज रोड उस लिस्ट में ना हो तो ये बहुत ही बेमानी होगी, क्योंकि ये रोड भी खतरनाक होने में किसी से भी कम नहीं है। इस रोड के ऊपर ड्राइविंग करना बहुत ही ज्यादा एडवेंचर से भरा हुआ है, और जहाँ पर एडवेंचर हो वहाँ पर खतरा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों पहाड़ों से घिरा हुआ ये रोड इसके सक्रिय रोड की वजह से और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। इसका सबसे खतरनाक मोड़ जब आता है और जब गाड़ियां एक खोदे गए चट्टान के नीचे से गुजरती हैं, इसके नीचे खड़े हुए लोगों को हमेशा ही ये महसूस होता है कि ये चट्टान अब गिरने वाली है। इस रास्ते पर कई जगह ऐसे मोड़ आते हैं जहां पर कि सामने वाली गाड़ी दिखाई नहीं देती और जिसकी वजह से गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। अटलांटिक ओशियन रोड नॉर्वे। दोस्तों ये अटलांटिक ओशियन रोड दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से गिना जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इस रोड के दोनों तरफ समुन्दर है और इस समुन्दर से उड़ती हुई तेज लहरें इस सड़क को पूरी तरह से भिगो दे रही है। दोस्तों नॉर्वे में समुन्दर के ऊपर बना हुआ ये रोड 7 जुलाई 1989 को चालू किया गया था, जो कि रोड ट्रिप के लिए बहुत ही बेहतर जगह है, लेकिन यहाँ पर हर कदम पर खतरा मौजूद है। इसलिए अगर आप एक अनुभव वाले ड्राइवर हैं तो ही यहाँ पर जाएं, नहीं तो आपकी एक छोटी सी गलती आपको समुन्दर में ढकेल सकती है। अगर आपकी कार ब्रिज से बाहर गई तो फिर समझ जाना कि आप कार के साथ ही साथ समुन्दर की गहराइयों में नजर आओगे। पसुबियो रोड इटली। इटली की ये सबसे खतरनाक सड़क पसुबियो ये प्राचीन सड़क है। ये पसुबियो रोड यहाँ के नकाशी भरे सुरंगों के लिए भी मशहूर है। ये दुनिया के सबसे खतरनाक सड़कों में से एक। इस सड़क को सरकार ने कई मौकों पर बंद करने की कोशिश की, लेकिन ये एक एडवेंचरस सफर होने के नाते यहाँ पर कहीं से भी लोग पहुँच ही जाते हैं। इस रोड पर ड्राइविंग करने के लिए बहुत ही ज्यादा सावधानी की जरूरत होती है। यदि ड्राइवर जरा भी लापरवाही करता है तो फिर समझ जाना कि वो नीचे जाने के बाद सीधा ऊपर ही जाएगा, और यहाँ पर जो भी बेतुके ढंग से मोटरसाइकिल चलाता है उसका ऊपर पहुँचना तो तय है। दोस्तों आज की वीडियो इतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और दोस्तों आगे ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं।